नमस्कार, आपका स्वागत है। इंटेलिजेंस को लेकर बात चल रही थी। तीन तरह के लोग हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, बुद्धिवादी, बुद्धिजीवी और बुद्धिनिष्ठ। तो इसमें जो बुद्धिवादी लोग होते हैं वो अपनी भाषा में बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, बुद्धिवाद मतलब डिबेट। तो अगर उनसे, बुद्धिवादी लोगों से अगर आप डिबेट करोगे तो वो उसमें इतनी अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे, आप उनसे डिबेट में कभी जीत नहीं पाओगे। तो वो होते हैं बुद्धिवादी लोग, जिनके पास बुद्धि तो होती है लेकिन उसका इस्तेमाल वो कभी अगर कोई वाद हो जाए, डिबेट हो जाए, तो अपनी भाषा के जरिए उसको वो एक्सप्रेस करते हैं। दूसरे किस्म के लोग हैं बुद्धिजीवी लोग। वो बुद्धिजीवी लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन व्यतीत करने के लिए जितना जरूरी है उतना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। तो ये लोग अपने रोजगार में या उनका अगर कोई व्यवसाय हो तो उसमें ये लोग बहुत तेज होते हैं। और तीसरे तरह के लोग हैं जो बुद्धिनिष्ठ लोग हैं। तो बुद्धिनिष्ठ मतलब उनको निष्ठा है बुद्धि पर, तो वो जो कोई भी चीज करते हैं वो उस बुद्धि के सहारे करते हैं। तो ये लोग ज्यादातर, इनको हम जैसे लोग इन लोगों को बहुत ही अनइमोशनल कहते हैं कि ये तो भाई हर चीज का एनालिसिस ही करेगा, हर चीज पे अपनी बुद्धि लगाएगा, किसी भी चीज को सिंपल रहने नहीं देगा। तो ऐसे ये तीसरे किस्म के लोग हैं जो जिनको हम बुद्धिनिष्ठ कहते हैं। कुछ खास वजह नहीं थी ये प्रेजेंट करने का, बस लगा बात करो तो बोल दिया। आप बताइए, आप खुद को चेक करिए, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं, बुद्धिवादी, बुद्धिजीवी या बुद्धिनिष्ठ, और क्या बनना चाहेंगे आप, क्या आपके लिए, आपको लगता है सबसे उचित होगा, जो सबसे अच्छा परिणाम आपके जीवन में लाएगा, क्या लगता है आपको। अपने कमेंट्स दीजिए, अपनी राय दीजिए, मैं राह देखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करना। थैंक यू।